पट्टी उट्टी लगा करके और पैसे निकासी कर ले जाते हैं, या एटीएम में किसी का कार्ड फंस जाता है तो वो पैसा उसमें बाहर निकलते हैं कस्टमर, तो बाहर निकलने क्रम में ही पैसा किसी तरह से उनका मिशन लिंक कर लेता है, निकासी कर लेता है। इसके अतिरिक्त अन्य शिकायत मिल रही थी कि उनका एटीएम बदल लेता है। कौनी थाना के बिल्कुल पास में है, यहाँ पर एसबीआई का एटीएम है, वहाँ पर से तीन लड़के जो इसी तरह के काम कर रहे थे और एक पट्टी जो काला रंग का पट्टी है उस एटीएम में लगा लिया था उन्होंने, इसी क्रम में कुल तीन गिरफ्तारी आज हुई है। सावधान रहे राजधानी वासी, शहर में एटीएम बदल कैश डिस्पेंसर में लोहे का पट्टी लगाकर ग्राहक अपना शिकार बनाने वाले तीन शातिर साइबर अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण प्रसाद मुरारी ने बताया है कि पटना में लगातार तीन महीने से एटीएम में सेंधमारी और एटीएम बदलकर लोगों को शिकार बना रुपए की निकासी करने की घटनाएं इन सभी थाना क्षेत्र में आ रहा था, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया, देखा गया और एक टीम को अलग अलग जगहों के एटीएम पर निगरानी रखने को कहा गया। जिस दरमियान पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके के एसबीआई शाखा के एटीएम में सेंधमारी करने आए तीन शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद से 12 अलग अलग बैंकों के एटीएम, 17,000 कैश, 3 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच, मेटल प्लेट जिसका इस्तेमाल एटीएम कैश डिस्पेंसर में लगा रुपए को रोकने में किया जाता था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि जेल से निकलने के बाद पटना में साइबर अपराध और एटीएम फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे सक्रिय रवि कुमार, पिंटू कुमार चौधरी और मनीष कुमार छपरा निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। पटना में पढ़ाई करने वाले छात्र बनकर किराए के मकान में रूम लेकर रह रहे थे और घूम घूम कर तीन दर्जन घटनाओं को तीन महीने में अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस इसके बाकी नेक्सस को खंगालने में जुटी हुई है, तो वहीं छात्रों द्वारा साइबर फ्रॉड पर अर्जित किए गए संपत्ति का आंकड़ा लिया जा रहा है, जिसके जांच पूरे होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, वो जरा सुने आप लोग। क्या कुछ पूरा मामला है? आज बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक बहुत अहम उपलब्धि है, जिसमें कि यह शिकायत मिल रही थी कि एटीएम से पट्टी उट्टी लगा करके और पैसे निकासी कर ले जाते हैं, या एटीएम में किसी का कार्ड फंस जाता है तो वो पैसा उसमें बाहर निकलते हैं कस्टमर, तो बाहर निकलने क्रम में ही पैसा किसी तरह से उनका मिशन लिंक कर लेता है, निकासी कर लेता है। इसके अतिरिक्त अन्य शिकायत मिल रही थी कि उनका एटीएम बदल लेता है, तो कुल मिलाकर के इस तरह का मोड़ शिकायत मिल रही थी। एफआईआर भी हमारे थाने में, मुद्दा कॉलोनी थाने में भी दर्ज हुआ था, तो इस पर टीम काम कर रही थी गंभीर और अनुसंधान इस पर डिटेल में किया जा रहा था। इसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह की घटना करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर उनकी अपनी एक समेकित टीम हम लोगों ने बनी इसी के लिए। राहुल मसाला गली जो बुद्धा कॉलोनी थाना के बिल्कुल पास में है, यहाँ पर एसबीआई का एटीएम है, वहाँ पर से तीन लड़के जो इसी तरह के काम कर रहे थे और एक पट्टी जो काला रंग का पट्टी है उस एटीएम में लगा लिया था उन्होंने, और कस्टमर उसमें पैसा निकासी, ताकि कस्टमर उसमें जाएँ पैसा निकासी करने के लिए, और उनका पैसा ट्रैप हो जाए और पैसा फंस जाए, फंसने के बाद उन्होंने पैसा उसको किसी को मिला करके उसको धोखाधड़ी से उसको निकासी कर ली। इसी क्रम में कुल तीन गिरफ्तारी आज हुई है, जिसमें एक रवि कुमार है जिसके पिताजी का नाम उमेश राम है, दूसरा पिंटू कुमार चौधरी पिताजी का नाम भवन चौधरी, तीसरा मनीष कुमार पिताजी का नाम राम कुमार प्रसाद, तीनों छपरा जिला के रहने वाले व्यक्ति हैं। तीनों लोग का आपराधिक इतिहास भी है, तीनों लोगों ने कई बार जेल भी जा चुके हैं। सर कितने एटीएम और क्या कुछ बरामद? इसमें से कुल मिलाकर के जो रिकवरी हुई है अभी हम लोग का 17,500 रुपये कैश इनके पास से बरामदगी हुई है, और कुल 12 एटीएम जो कई लोगों से इन्होंने लिया है, चाहे धोखाधड़ी करके लिया हो चाहे अन्य माध्यम से लिया हो, तो 12 एटीएम बरामदगी है। तीन ब्लैक रंग का पट्टी जो कि एटीएम मशीन में लगाते हैं वो बरामदगी है। इनके पास जो मोबाइल जो यूज में कर रहे थे वो मोबाइल बरामदगी है। एक स्मार्ट वॉच है, इसको हम लोगों ने लिया है। हालांकि अनुसंधान में बाकी चीज़ पता चल पाएगा कि मोबाइल में इनके तकनीकी अनुसंधान में क्या क्या चीज़ें और आप कर सकते हैं। सर कितना दिनों से सर ये काम कर रहा था और अभी तक कितने लोगों को ठगी कर चुका है? हालांकि इन्होंने अपनी जो स्वीकारिता बयान किया है, उन्होंने यह कहा है कि 2-3 महीना या 1.5 महीना का इन्होंने बात कर रहा है, लेकिन हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं
कि और कितने दिन से इन्होंने ऐसा काम कर रहा है। हालांकि इनका आपराधिक इतिहास तीनों का व्यक्ति का, एक किसी का लूट का आपराधिक इतिहास, किसी अन्य कारणों से, लेकिन सब जेल जा चुके हैं। इन्होंने यह मूल रूप से बताया कि इन्होंने यूट्यूब से ये सब चीज़ें तकनीक सीखा है और उसी माध्यम से इन्होंने यह तकनीक को आजमा रहा था। रोज़ प्रत्येक दिन 10-15 लोगों को ये शिकार कर रहा था। सर ये मतलब क्या ये लोग का गिरोह भी है कि ये लोग खुद मतलब हो गए? अभी तक पूछताछ के क्रम में इन्होंने तीन लोग जो अभी पकड़े गए हैं इनके बारे में बताया है, लेकिन इनके आगे का अनुसंधान हम लोग करते हैं कि निश्चित रूप से और कोई इसमें संलिप्त रहे होंगे, उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। डेली सर कितना मतलब ये लोग ठगी कर लेते कितना लेते? मैंने बताया ही है कि इन्होंने 10 से 15 लोग निश्चित रूप से एक दिन में लोग ऐसा कर लेते थे और उनका उनको इस तरह से अपने शिकायत शिकार कर देते थे। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।